नेपाल के चितवन नारायण घाट में लाखों लाख के भारत सरकार के बंदी बना के रखा था। तीन साल हो गए नेपाल सरकार ने कोई वास्ता नहीं किया। नेपाल सरकार के जगत को हम लोगों ने तीन चार पांच जगह हमने वो किया, शांति रैली की, प्रधानमंत्री का हमने ज्ञापन पत्र दिया, बहुत जगह हमने रिहाई के लिए आस्था के बंदी को छुड़ाने के लिए बहुत आग्रह की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। इसके लिए तीन साल आज हो गए और तीन साल में जब इनकी कान में भनक नहीं पड़ी तो हम लोग रैली के रूप में यहाँ रैली कर रहे हैं और नेपाल के हर एक जिले से लाखों लाख भक्त यहाँ मौजूद हैं और अपने रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी को छुड़ाने के लिए अगा कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। परमात्मा की नारा गूंज रहा है और काला दिवस का ये उद्घोषण हो रहा है और कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीर में प्रमाण, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है और भारत जेल में जो है उनको छुटाने के लिए नेपाल सरकार पहल करो और ये सब नारे हैं। और प्रजातांत्रिक देश में आस्था के बंदी नहीं होते हैं और हमारे मोदी साहब प्रजातंत्र की दुहाई दिए, देश विदेश घूमते हैं लेकिन अपने खुद देश पे तानाशाही लाद रखा है उन्होंने और आस्था के बंदी बना के रखा। यूएन के बड़ा पत्र के मुताबिक भी आस्था के बंदी नहीं बनाए जाते। ये कैसे प्रजातंत्र देश है, हम लोग आश्चर्य में है। उसी के विरोध में हम आए हैं कि आस्था के बंदी मत बनाओ, धार्मिक स्वतंत्रता दो। और भारत कहता है कि हमारा धर्म निरपेक्ष देश है। अरे ये कैसा धर्म, धर्म निरपेक्ष देश है? बड़ी आश्चर्य की बात है, एक धर्म के लोगों को धार्मिक आस्था के ही कारण बना के रखा। इसीलिए आप देख रहे हैं हजारों हजार लाखों लाख की भीड़ आज फिर रैली कर रही है, शांति रैली कर रही है और फिर प्रधानमंत्री को ज्ञापन पत्र दिया जाएगा और कहा जाएगा नेपाल के प्रधानमंत्री को कि आपने समकालीन भारत के प्रधानमंत्री के से राजनीति और कूटनीति संपर्क करे और आस्था के बंदी जो नेपाली हैं उनको छुड़ाने के लिए पहल करे। अरे तीन साल हो गए ये लोग 1.5 साल जेल में रख दिए और बाकी साल ये तारे ढुआ रहे हैं, लाख रुपया धरोहर दिए हैं और नेपाल से भारत के हरियाणा जाने के लिए कितने खर्चा पड़ते हैं
फिर भी 15 दिन का 7-7 दिन का तारीख देकर जो हम लोगों को जो ये लोग पीड़ा देने की जो कोशिश कर रहे हैं मात्र पीड़ा देने की, अगर हम कोई वो रहते दोषी रहते तो 3 साल तक क्या देखती है सरकार। और हमने कहा है कि हमारे गुरुजी लगाए संपूर्ण भक्तजन जिन्हों तुमने आस्था के बंदी बना रखे हो उसको सीबीआई जांच कराओ, लेकिन इनके कान में भनक नहीं पड़ी क्योंकि ये अपराधी हैं, दोषी हैं और अपराधी हैं, दोषी हैं और सीबीआई जांच से लोग डरते हैं। लेकिन हम मांग रहे हैं सीबीआई आप जांच कराओ। हम अभी नेपाल सरकार को भी बता रहे हैं कि अपने पड़ोसन को सीबीआई जांच कराने के लिए तुम वो करो, अनुरोध करो, अरे सीबीआई जांच कराओ, हमारे भगत भक्ति दोषी हैं तो भुगतेंगे हम सजा, अगर दोषी नहीं है तो क्यों आप ये वो कर रहे हो। बड़ी अजीब की बात है, बड़ी अजीब की बात है, क्यों हम ऊपर ये वो कर रहे हैं, क्यों हमारे पर इतना पीड़ा दे रहे हैं। वो एक पड़ोसन, अच्छे पड़ोसन का निभा रहे हैं, अपने पड़ोसन की धर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं ये लोग। अरे इंडिया से आते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने, इंडियन भारतीय भगत लोग आते हैं कि अतिथि देवो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत हम लोग उनकी आदर करते हैं, लेकिन हम जब परमात्मा के दर्शन में हिसार जेल जाते हैं तो हम पर लाठ हजारौं संख्यामा थिए, तिनीहरू सत्संग सुन्न गएका थिए, पवित्र आत्मा पवित्र भावना लिएर गएका थिए, ती नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँको सरकारले अत्याचारपूर्वक भारतीय नागरिक जस्तै व्यवहार गरेर नागरिकै बनाएर झुठा आरोप लगाएर जेलमा हालियो र 1.5 वर्षसम्म तिनीहरूलाई बिना सुनवाई जेलमा राखियो, अन्नभन्न गरियो, उपचार गर्न दिएन, बच्चा महिला सबै भारतीयहरू लगायत नेपालीहरूको पनि बेहाल गरेर राखियो। पछि नेपाल समाज यहाँको हामीले चाहिँ यसलाई उहाँलाई मुक्त गर्नलाई र्यालीहरू गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा र्याली पनि गऱ्यौँ, आवाज ल्यायौँ, ज्ञापन दियौँ नेपाल सरकारलाई, भारतका पनि विभिन्न ठाउँमा ज्ञापन दिन पनि एम्बेसीमा दियौँ। त्यो क्रममा बिस्तारै 1.5 वर्ष जेलमा राखेर उहाँहरूलाई बिना कसुर निर्दोषको रूपमा चाहिँ छोडियो, तर उहाँमाथि मुद्दा अझै पनि छ, महिनाको 2 चोटि उहाँहरू धाउनुपर्छ, तारिख गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा के हो भनेदेखि उहाँहरूको घरबार सिद्धियो, उहाँहरूको सबै बेचबिखान गर्नुपर्ने भयो, किनभने हप्ताको महिनाको 2-2 चोटि भारतको हरियाणा सरकार कहाँ जेलमा गएर तारिख धाउनु पर्ने। यसले गर्दा हामी सबै भक्त समाज ती नेपालीहरूको तारिख खारेजीको लागि र हाम्रा निर्दोष गुरुलाई पनि रिहाई गर्नको लागि उहाँमाथि लागेका झुठा मुद्दालाई सीबीआई जाँच गर्न नेपाल सरकार लगायत हाम्रो प्रशासन मार्फत पहल गरियोस् भारत सरकारमा कि त्यो दुधको पानीको पानी आखिरी हेरियोस्, त्यसको मुद्दाहरू पर्सिदोस् भनेर हामी एवेरनेस जगाउने हिसाबले एउटा पाटो र्यालीको यो आयोजना भयो भने साथसाथै योभन्दा महत्वपूर्ण अर्को पाटो छ जो असाध्य महत्वपूर्ण। रामपालजी महाराजले हाम्रा समाज सर्वव्याप्त रहेका हाम्रा पुराना धर्म हाम्रो आस्थाका केन्द्र हाम्रा धर्मका पुस्तकहरू 4 वेद 18 प्राण पवित्र गीता र भारतीय नागरिक जस्तै व्यवहार गरेर नागरिक बनाएर झुठा आरोप लगाएर जेलमा हालियो र 1.5 वर्षसम्म तिनीहरूलाई बिना सुनवाई जेलमा राखियो, अन्नभन्न दियो, उपचार गर्न दिएन, बच्चा महिला सबै भारतीयहरू लगायत नेपालीहरूको पनि बेहाल गरेर राखियो। पछि नेपाल समाज यहाँको हामीले चाहिँ यसलाई उहाँलाई मुक्त गर्नलाई र्यालीहरू गर्दै आएका थियौँ, विभिन्न ठाउँमा र्याली पनि गऱ्यौँ, आवाज पुर्यायौँ, ज्ञापन दियौँ नेपाल सरकारलाई, भारतका पनि विभिन्न ठाउँमा ज्ञापन दिन पनि पुग्यौँ, एम्बेसीमा दियौँ, क्रममा
उतारे डेढ़ महीना डेढ़ वर्ष जेल में राखेर उहाँहरुलाई बिना कसूर निर्दोष को रूप में छोड़ियो तर उहाँमाथि मुद्दा अझै पनि छ। महीना को दुईचोटी उहाँहरु धाउनु पर्छ तारीख गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा के भयो भनेदेखि उहाँहरुको घरबार सिद्धि हो, उहाँहरुको सबै बेचबिखान गर्नुपर्ने स्थिति भयो। किनभने हप्ताको महिनाको दुई दुईचोटी भारतको हरियाणा सरकारका जेलमा गएर तारीख धाउनु पर्ने, यसले गर्दा हामी सबै भक्त समाज ती नेपालीहरुको तारीख खारेजीको लागि र हाम्रा निर्दोष गुरुलाई पनि रिहाई गर्नको लागि उहाँमाथि लागेका झुठा मुद्दालाई सीबीआई जाँच गर्न नेपाल सरकार लगायत हाम्रो प्रशासन मार्फत पहल गरियोस्। भारत सरकार कि त्यो दुधको दुध पानीको पानी आखिरी हेरियोस्, त्यसको मुद्दाहरू पर्छ भनेर हामीले एयरनेस जाउने हिसाबले एउटा पाटो र्यालीको यो आयोजना भयो भने साथसाथै योभन्दा महत्वपूर्ण अर्को पाटो छ जो असाध्य महत्वपूर्ण छ। रामपालजी महाराजले हाम्रा समाजमा सर्वव्यापी रहेका पुराना धर्म आस्थाका केन्द्र हाम्रा धर्मका पुस्तकहरू चार वेद अठार पुराण पवित्र गीता र बाइबल सबै कुराहरू खोलेर देखाउनु भयो तत्व ज्ञान के हो। जब तत्व ज्ञान देखाउनु भयो त्यसपछि त हामी शास्त्र अनुकूलको साधना नगरेर शास्त्र प्रतिकूलको साधनामा रमेर